जब फरहान राजू को लेने उसके घर जाता है तो राजू बिना पैंट पहने ही चला आता है और उसे पता भी तब चलता है जब फरहान कहता है कि तू अपनी पैंट भूल आया। मतलब यदि फरहान राजू को नहीं बताता कि तू पैंट भूल आया तो इसे पता भी नहीं चलता। वाह भाई। जब राजू और फरहान को चतुर अपना दिखाता है, ओहो मतलब अपने बंगले का फोटो दिखाता है, तो बाकी के फोटो अपने आप ही चेंज होने लग जाते हैं। मतलब चतुर ने अपने मोबाइल को टच भी नहीं किया लेकिन फोटो फिर भी बदलते रहते हैं। जब फरहान अपनी ही स्टोरी बताता है तो उसमें फरहान का जन्म होता है और फरहान को देखकर लगता है कि फरहान अंदर से नहा धो के आया है। जब ये लोग जॉय के कमरे के सामने ड्रोन उड़ाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि जॉय ने तो आत्महत्या कर ली। और यार इस वाले टीवी में इन सब लोगों ने देख लिया कि जॉय ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके बाद भी जॉय के पास सिर पर ये तीनों ही जाते हैं। मतलब बाकी के लोगों को भी तो पता चल गया ना कि जॉय ने आत्महत्या कर ली, लेकिन फिर भी जाते ये तीनों ही है। वायरस को परेशान रेंचो ने किया, ऊपर से वायरस के खूब मजे भी लिए, लेकिन उसके बाद भी वायरस नोटिस भिजवाता है राजू और फरहान के घर पर, जबकि बेचारों ने कुछ नहीं किया। और यार वायरस ने तो नोटिस में रेंचो का नाम लिखा ही नहीं, लेकिन फिर भी इन दोनों के घर वालों को पता चल गया कि ये दोनों रेंचो के साथ गलत संगत में हैं। फरहान के पापा ने फरहान के कमरे में एसी लगवाया है ताकि फरहान आराम से पढ़ सके, पर यार फरहान तो अब तो हॉस्टल में रहता है और एसी अभी भी लगा हुआ है, तो यार अंकल वो एसी आपके कमरे में लगा लो। यहाँ पर ये तीनों वायरस की बेटी की शादी में खाना खाने के लिए आ गए, पर यार अपने रेंचो भैया तो यहाँ पर भी ज्ञान बांटने लगे, नहीं मतलब खाना खाने के लिए आए हो तो खा के निकल जाओ ना। पर नहीं, जब हमारे रेंचो भैया इस गधे के जूतों पर चटनी गिराते हैं तो नाम इस वेटर का आ जाता है और ये गधा इस वेटर को डांटने लग जाता है, और यार ये वेटर भी चुपचाप इसकी डांट सुनने लगता है, जबकि इसे बोलना चाहिए था कि चटनी मैंने नहीं रेंचो ने गिराई। रेंचो, राजू और फरहान तीनों एक साथ ही सेविंग करते हैं और यार तीनों एक साथ ही खाना खाते हैं, तो इसका मतलब ये तीनों एक साथ ही पोटी करते, पर यार ये तो सच में एक साथ ही फोटी करते हैं। वाह भाई। जब ये तीनों लोग बातें करते हैं तो पीछे ये चिरकुट सुसु करता है, पर हम गौर करें तो ये तो बस सुसु करने की एक्टिंग करता है, क्योंकि ऐसे कौन सुसु करता है रे बाबा। रेंचो भैया ने चमत्कार शब्दों को रिप्लेस करके बलात्कार से बदल दिया और फिर इसी लेक्चर को चतुर सबके सामने देता भी है, पर यार चतुर का रिएक्शन देखकर तो लगता है कि ये जानबूझकर अश्लील बातें बोलता है। कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किए, ये तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। चलो मान लिया कि चतुर को पता नहीं चला कि वो गलत भाषण दे रहा है, पर यार इन सब लोगों के रिएक्शन देखकर तो इसे पता चल जाना चाहिए था कि दया कुछ तो गड़बड़ है दया। और यार रेंचो ने तो सिर्फ बलात्कार शब्द को रिप्लेस किया था चमत्कार से, पर जब चतुर भाषण देता है तो ये तो धन की जगह स्तन भी बोलता है, जबकि रेंचो ने तो सिर्फ बलात्कार शब्द को रिप्लेस किया था, तो फिर ये स्तन कहाँ से आ गया रे बाबा। स्तन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। रेंचो अस्पताल के अंदर स्कूटी ले आता है और इसे किसी ने रोका भी नहीं। चलो मान लिया कि थोड़ा इमरजेंसी था, पर यार कोई तो रोक लो। इन लोगों की आधे घंटे बाद एग्जाम है और ये आराम से सो रहे हैं। मतलब जिन्हें कुछ याद ना हो वो भी एग्जाम से पहले रट्टा मारते हैं और ये आराम से सो रहे हैं। जब ये लोग अपनी एग्जाम की कॉपियां प्रोफेसर को देते हैं तो ये लेने से मना कर देता है। आप लेट हो गए, मैं नहीं ले सकते। मतलब ये लोग लेट हो गए हैं इसलिए प्रोफेसर ने कॉपियां लेने से मना कर दिया, और इसीलिए रेंचो सारी कॉपियां मिक्स करके भाग जाता है, क्योंकि प्रोफेसर को इनके रोल नंबर तो पता है ही नहीं, पर यार ये जहां पर बैठे थे वहां पर तो इनके रोल नंबर लिखे होंगे ही, तो यार वहां से देख लो। तो यार बस यार आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हो सके तो मिस्टेक ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर दो। ओए तो तुम्हारे चैनल का नाम है मिस्टेक ज्ञान? जी सर, मिस्टेक वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब पर डालता हूँ। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओए मैंने तेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया और घंटी भी दबा दी।